बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। तो आज हम इस वीडियो में जो वर्ल्ड के टॉप 3 रिवर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और ये देखेंगे ये कौन सा दरिया जो है ये कहाँ पे बहता है, और सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा है, जो लार्जेस्ट है वो कौन सा। ये क्वेश्चन बड़ा ही कन्फ्यूज़ करने वाला है कि लार्जेस्ट कौन सा रिवर है, तो उसमें स्टूडेंट जो है वो लॉन्गेस्ट ही लगा के आ जाते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप जो है वो NTS और दूसरे एग्ज़ाम जो हैं उनकी तैयारी कर सकें। तो ये जो लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन इज़ इन साउथ अमेरिका। आपको पता है कि वो ये क्वेश्चन पहले ये पूछा जाता था कि जो सबसे बड़ा दरिया है लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पे, तो आपको पता है दरिया नील है जो वो इजिप्ट का है, मिस्र का है, कौमी दरिया। तो अब ये पूछते हैं कि लार्जेस्ट जो है ये वाटर के हिसाब से कि पानी सबसे ज़्यादा किस में है। तो ये जो है ये साउथ अमेरिका में है और ये ब्राज़ील से निकलता है। बाकी कि ये जो जंगलों से होता हुआ बहुत सारा एरिया जो है उसको कवर करता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं वो पाए जाते हैं। ये अमूमन जो मूवीज़ हैं हम देखते हैं जो हॉलीवुड की, उसमें जो होते हैं क्रोकोडाइल, जो सार हैं, मगरमच्छ हैं, वो भी इसमें डिस्कस किए होते हैं और मूवीज़ उस पर बनाई होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे जो हैं वो बहुत ख़तरनाक जानवर हैं उन पे मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो वो इसी रिवर पे बनाई जाती है अमेजोन पे, इसके ऊपर जंगल है। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो आपने इसका जवाब देना है अमेजोन, और अगर लॉन्गेस्ट आ जाता है तो आपने इसका जवाब देना है नाइल। जो नाइल है वो है इजिप्ट का कौमी दरिया, और ये जो है ये किसका कौमी दरिया है, ब्राज़ील का। और ये जो है ये थ्रू द अमेजोन, इसका जो इसकी जो लेंथ है वो आपको इधर बता दिया उन्होंने कि इसकी लेंथ कितनी है और ये क्यों मशहूर है। जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है कि वो यही पूछेंगे। और जो आगे आ जाता है लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और आगे जो आती है हाईएस्ट वाटरफॉल, अगर वाटरफॉल की बात कहते हैं कि आबशार सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो एंजल है। एंजल के बारे में ये पूछा जाता है कि वो किस कंट्री में है ये पूछा जाता है, या ये पूछा जाता है कि इसकी हाइट कितनी है, या ये कितनी हाइट से नीचे गिरती है। और आजकल तो ये पूछा जाता है कि दूसरे नंबर पर कौन सी है और वो कहाँ पर लोकेट कर रही है। तो जो है टोगीला जो है वो वाटरफॉल वो दूसरे नंबर पे है, ये साउथ अमेरिका पे है। ये बहुत दफ़ा PPSC में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको लाजमी याद रखें। और जो ये एंजल है ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला जो है वो एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। और इसके अलावा जो यूटीगॉर्ड है फॉल है ये कहाँ पे है, ये नॉर्वे में है। नॉर्वे आपको पता है कि एक यूरोप का एक मुल्क है। आगे जो चौथे नंबर पे आती है वो मूंगफल है, जो मूंगफल है ये भी नॉर्वे में है। आपको आपने सुना हुआ है कि दिन और रात एक वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे दिन और रात जो होते हैं वो 6-6 मंथ के होते हैं, तो वो यही वो मुल्क ही है नॉर्वे, जहाँ पे 6 मंथ की दिन होता है और 6 मंथ की रात होती है। इसके अलावा आपको बताते हैं बल्कि ये इसके हम इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें टोटल डिटेल और उसके साथ उसकी जो है